अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट नंबर कैन रिप्लेस दिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें वो कह रहा है जी, व्हाट नंबर कैन रिप्लेस, ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें भी आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं, इनमें हम कौन सा नंबर लिखें कि आपके पास ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। ये जो आपको एक ओपन सेंटेंस दिया गया है, ये आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाए, ठीक है। तो अब ये आपके पास एम्प्टी बॉक्स है एक प्लस 10। अब इस बॉक्स में 10 के साथ क्या प्लस करूँ मैं, तो मेरे पास आंसर आ जाए 12। तो 10 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा इस ओपन स्टेटमेंट में, इस ओपन सेंटेंस में 2, ठीक है। ओपन मीन जो वाजे हो, खुला हो, ठीक है। तो ये 2 लिख के मैंने इसको ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया कि अगर मैं 2 प्लस 10 करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर 12 आएगा, ओके। अब है इसका पार्ट 2, 15 माइनस दिस इज इक्वल टू 12। अब 15 में से मैं कितने माइनस करूँगा कि मेरे पास 12 आए, तो वो 3 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। और ये आपके पास कौन सी स्टेटमेंट होगी, ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट वो होती है जिसमें आपका जो आंसर है दोनों आंसर सेम हो। दोनों आंसर से मुराद राइट हैंड साइड और उसकी लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करें तो वो सेम आंसर आए, ठीक है। और 10 डिवाइडेड बाय, अब मैं इधर कौन सा नंबर लिखूं कि 10 के से वो डिवाइड हो और आंसर मेरे पास 5 आए, तो जाहिर है मुझे 2 लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। अब मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 5। इसी तरह अब लास्ट है इसका, अब मैं 4 को यहाँ पे क्या नंबर लिख के मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर 28 है। अगर मैं 4 का टेबल पढ़ता हूँ, 4 1 4, 4 2 8, इस तरह जब मैं 4 7 28 यहाँ तक पहुँचूंगा तो मेरे पास कौन सा नंबर आएगा, 7, 4 7 28। तो इस तरह आपने इनको बॉक्सेस को फिल करके ये जो आपको ओपन सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको आपने एक ट्रू स्टेटमेंट में जाहिर कर देना है, ओके। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ईजी था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने इंजॉय भी किया होगा और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जी, सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। आपने सेपरेट करने हैं, यानी इसमें बताना है कि ओपन सेंटेंसेस कौन से हैं और क्लोज सेंटेंसेस कौन से हैं। ये आप तभी बता सकेंगे जब आपको पता होगा कि ओपन सेंटेंस और क्लोज सेंटेंस क्या होता है। तो पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ओपन सेंटेंस का। ओपन सेंटेंस हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल गिवन हो, जैसे 2x plus 7 is equal to 5। ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसमें x क्या है आपके पास, x की वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है। तो ये आपके पास एक ओपन सेंटेंस है, ठीक है। और इधर आए ज़रा इस पार्ट 3 में, 10 plus 10। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 10 plus 10 क्या होता है, 20 is equal to 20, ठीक है। यानी इसको देखते सारे ही आपने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है इसमें कोई वेरिएबल उसने यूज़ नहीं किया, एक्स वाई जेड उसने किसी का भी यूज़ नहीं किया, आपने बस इसको देखा और देखते सारी बता दिया कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये आपके पास फिर क्लोज सेंटेंस होगा, ठीक है, जिसमें कोई वेरिएबल यूज़ नहीं होगा वो आपके पास क्लोज सेंटेंस होगा। और जिसमें आपके पास वेरिएबल्स होंगे, जैसे ये देखें, वाई प्लस जी इज इक्वल टू 16। अब ना आपको वाई की वैल्यू का पता है, ना आपको जेड की वैल्यू का पता है, ये तो नहीं ना पता, तो ये आपके पास ओपन सेंटेंस होंगे, ठीक है। तो यही आपने बताने हैं। तो मैं ज़रा इनके आंसर ही लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बस आपने बताना ही है उसको। 2x plus 7 is equal to 5, इसमें वेरिएबल आ गया x, तो ये आपके पास ओपन सेंटेंस होगा, ओपन सेंटेंस। और उसके बाद z plus 4 is equal to 10। अब z की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, ये वेरिएबल के तौर पर यूज हुआ है, तो ये भी आपके पास फिर क्या है, ओपन ओपन सेंटेंस। और 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, अब इसमें वेरिएबल ही नहीं उसने यूज किया, तो ये आपके पास फिर क्लोज सेंटेंस है, क्लोज सेंटेंस। आगे है 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9। अब इसमें भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ, और जैसे ही आपने इस पे नजर डाली तो आपको पता लग गया कि अगर हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या आता है, 9। यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये आपके पास फिर क्या है, क्लोज सेंटेंस।
और 10x plus 5 is equal to 10। अब x की वैल्यू का आपको नहीं पता, इसमें ये x एज अ वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये आपके पास क्या है फिर, ओपन सेंटेंस। आ गया y plus z, इनका भी आपको नहीं पता, तो ये भी आपके पास फिर ओपन सेंटेंस। आ गया 5a plus 3b is equal to 10। अब a और b की वैल्यू का आपको नहीं पता, जिसकी वैल्यूज का आपको ना पता हो वो आपके पास ओपन सेंटेंस होते हैं, तो ये भी फिर ओपन ही होगा। लें जी, उसके बाद है 9 डिवाइडेड बाय 3। 9 के अगर हम 3 हिस्से करें तो कितना आएगा वो 3, यानी 9 को 3 पे डिवाइड करें तो आता है 3। तो ये आपको देखते सारे पता लग गया, और इसमें उसने कोई वेरिएबल यूज नहीं किया, यानी x y z कोई कुछ भी यूज उसने नहीं किया, तो ये आपके पास क्लोज सेंटेंस। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 7p plus 5q is equal to 15। अब इसमें p भी है और q भी है और हमें इसकी वैल्यूज का भी नहीं पता, तो ये आपके पास फिर क्या है, ओपन सेंटेंस। लें जी, ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इजी था, बस ओपन और क्लोज का बताना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो इसको आप अगर नोट करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आप बुक के ऊपर ही इसको लिख लें कि ये ओपन है, ये सेंटेंस है, वैसे आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम मूव करते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिए। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे थे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो उसने आपको एक टेबल दिया गया है, इसको आपने कंप्लीट करना है, इसके फिल इन द ब्लैंक्स जो उसने बॉक्सेस खाली छोड़े हुए हैं इनको आपने कंप्लीट करना है। तो आप कैसे करेंगे, पहले उसने आपको दिया है स्ट्राइक नंबर, यानी उसने आपको ये नंबर्स दिए हैं कि आपके पास इतनी टर्म्स है, यानी इतनी चीज़ें आपके पास, इतनी आइटम्स हैं, 1 2 3 4। उसके बाद आगे उसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन, 4xy, दिस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं आपके पास, जिसमें आपके पास वेरिएबल भी हो, उसके साथ कोफिशेंट भी हो और कॉन्स्टेंट भी हो, और साथ ऑपरेटर्स भी हो। ऑपरेटर्स मीन आपके पास जो साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब इसमें आपके पास मल्टीप्लाई भी है, ये 4xy इनके दरमियान कौन से सिंबल है, मल्टीप्लाई की, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको बोलेंगे जिसमें आपके पास वेरिएबल्स भी हों, कॉन्स्टेंट भी हों और कोफिशेंट भी हों, और दरमियान में कुछ सिंबल्स भी हों, उनको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, आगे क्या है जी, नंबर ऑफ टर्म्स। इसकी आपने नंबर ऑफ टर्म्स भी बतानी है, वेरिएबल्स भी बताने हैं कितने हैं, और कॉन्स्टेंट भी बताने हैं कितने हैं। तो पहले तो हम चलते हैं जी नंबर ऑफ टर्म्स की जानिब, के नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं किसे और क्या होते हैं। जैसे आपके पास है ना 2 plus 3 plus 5, अब इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 3 हैं, ठीक है। अब इसमें कितनी है, 4xy। अब आप इसमें भी 3 कह सकते हैं, लेकिन 3 नहीं है, ये आपके पास एक ही टर्म्स है। जैसे मैं आपको मिसाल देता ना इसकी, ये है 2 3 5, अभी आपके पास एक ही नंबर है, नंबर तो एक ही है ना, तो इसी तरह 4xy आपके पास एक ही टर्म्स है, तो इधर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, 1। अब इधर कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स, एक ये होगी पूरी, एक ये होगी, एक ये होगी, यानी आपने प्लस माइनस के जो साइन होते हैं ना, जिन्होंने उनको सेपरेट किया होता है, उनको देखना आपने, 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3। और उसके बाद इसमें कितनी है, ये पूरी एक है नंबर ऑफ टर्म्स, प्लस 20, एक ये है एक ये है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2। आगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 16, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आ गई जी यहाँ पे 3। अब आगे आपने बताना है वेरिएबल्स के, इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। वेरिएबल्स आपके पास वो होते हैं जो ए बी सी के वर्ड्स होते हैं, एक्स वाई जेड, ये आपके पास सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें क्या क्या वेरिएबल आ रहा है, एक x भी है और एक y भी है, तो यहाँ पे आप वेरिएबल्स में क्या लिखेंगे, x और y। उसके बाद इसमें वेरिएबल बता रहे हैं, एक तो आ गया x, अगर चाहिए x स्क्वायर है लेकिन है तो x ही है ना, तो आपने उसको x ही काउंट करना है, एक x है आगे y है, तो x और y दो हो गए। लें जी, उसके बाद इसमें देखें x भी है, y भी है, z भी है, तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, 3। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे एक्स वाई जेड। आगे इसमें देखें x है, ये x को हम काउंट कर चुके हैं ना, x को आपने एक बार ही लेना है। उसके बाद y है, यानी x और y ही इसमें वेरिएबल यूज हुए हैं, तो x और y। उसके बाद कॉन्स्टेंट, याद रहे कॉन्स्टेंट आपके पास वो होगा जिसके साथ ना कोई ए बी सी वाला लफज हो ना कुछ हो, सिर्फ वो गिनती वाला नंबर हो, ठीक है, वो आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट। जैसे इसमें कॉन्स्टेंट क्या है, 4xy, तो आप 4 को कॉन्स्टेंट नहीं लेंगे क्योंकि 4 के साथ वेरिएबल मौजूद हैं,
वेरिएबल नहीं होने चाहिए उसके साथ, तब भी वो कॉन्स्टेंट होगा अगर वेरिएबल ना होंगे तो। तो ये तो हो नहीं सकता, तो फिर इसमें कॉन्स्टेंट क्या हुआ, कुछ भी नहीं, यानी कि जीरो। अगर इसमें कॉन्स्टेंट होने, ये 4x के इसमें वेरिएबल आ गया तो 4 तो ही नहीं सकता, इसमें भी वेरिएबल आ गया, ये 8 आपको नजर आ रहा होगा, इसके साथ ना कोई x है ना कोई y है, ये सिंपल 8 है, तो ये आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट। उसके बाद इसमें x y z आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे 20 आपको अकेला नजर आ रहा है, तो ये आपके पास कॉन्स्टेंट है। उसके बाद लास्ट पे इसमें 16 आपको नजर आ रहा है, ठीक है, विद आउट वेरिएबल, तो ये आपके पास क्या है जी, फिर कॉन्स्टेंट। तो ये था जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छे तरीके से इस टेबल को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ये आप नोट कर लें। अब हम मूव करते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशंस। इसमें आपने अलग करना है जी लाइक टर्म्स को और अनलाइक टर्म्स को। टर्म्स का तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया ना कि क्या होती हैं, जैसे ये आपके पास एक टर्म्स है, ये भी आपके पास एक टर्म्स है, ये भी टर्म्स है और ये भी टर्म्स है। तो आपने इसमें सेपरेट करना है लाइक टर्म्स और अनलाइक। लाइक मीन जो एक जैसी होती हैं, और अनलाइक जो एक जैसी ना हो, तो इनको आपने करना है जी सेपरेट, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये लाइक टर्म्स है और ये अनलाइक है, तो आपने उसके लिए जस्ट उसका वेरिएबल देखना है। वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई, ठीक है, वेरिएबल और उसकी पावर। अगर वेरिएबल सेम है और उसकी पावर सेम है तो वो आपके पास लाइक टर्म्स है, अगर सेम नहीं है तो वो अनलाइक टर्म्स है। जैसे मैं ये आपको फर्स्ट पार्ट इसका करके दिखाता हूँ। पहले तो हम इसमें से निकालते हैं जी लाइक टर्म्स। लाइक मीन जिनके वेरिएबल सेम हो, और जो इसका कोफिशियंट होता है ना, जो इसके साथ होता है पहले गिनती वाला नंबर, वो चाहे डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए इसका एक्स स्क्वायर है, और ढूंढने एक्स स्क्वायर वाली कहाँ पे है, तो वो ये है। तो ये दो आपके पास फिर क्या है, लाइक टर्म्स, यानी एक जैसी टर्म है, यानी आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी 3x² और 9x², ये आपके पास क्या है, लाइक टर्म्स। और जो बाकी बची हैं, बाकी ये एक्स वाई है, और ये तो कॉन्स्टेंट वाला नंबर है, ये तो है डिफरेंट, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4xy और 7 अनलाइक टर्म्स। ओके, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद है 4x² y + 5x² + 7y x² + 4x। इसमें आपने ढूंढना है जी, पहला नंबर क्या है जी, x² y, ये वेरिएबल है। इस तरह का वेरिएबल ढूंढने कहाँ पे है, x² y, ये तो खाली x² है, ये y² है, ये x है, तो इस तरह का कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर क्यों उसका ऑर्डर यानी जगह चेंज है, इधर पहले y आ रहा है फिर x² आ रहा है, लेकिन ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर आता है 6। अगर मैंने 2 को 3 से किया ना, अगर मैं इस 3 को पहले लिख दूँ और इस 2 को आगे लिख दूँ, तो तब भी तो मेरा आंसर 6 आएगा ना। इस तरह ये x² y है ना, अगर मैं x² y को शुरू में लिख दूँ, इसको आगे लिख दूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये वाली और ये वाली टर्म्स आपके पास सेम है, यानी ये लाइक टर्म्स है। तो इसको आप लिखें 4x² y, यहाँ पे आपने कोमा डालना है, 7y x² लाइक टर्म्स। उसके बाद बाकी क्या है, x² और ये खाली x है, ये तो सेम नहीं है ना, तो ये आपके पास अनलाइक टर्म्स है, 5x² और 4x अनलाइक टर्म्स। लें जी आगे इसका पार्ट 3, इसमें ढूंढने लाइक टर्म्स कौन सी है। वेरिएबल आपने देखना ये x² है, और देखें x² वाली कहाँ पे है, तो वो आपको ये वाली मिलेगी, तो ये दोनों आपके पास क्या है, लाइक टर्म्स। यहाँ पे आप लिखें लाइक टर्म्स, और उसके बाद जो ये xy है, आपने वेरिएबल देखना, और ये y है, तो ये xy है, ये तो खाली y है, तो ये आपके पास फिर अनलाइक टर्म्स है। मैं आपको इसमें फिर बता रहा हूँ कि आपने ये नहीं देखना कि उनका नंबर क्या है। जैसे अगर आप ये कह लें कि ये 8 है, तो ये भी तो 8 है, तो ये आपके पास लाइक हुई,
ऐसे नहीं, आपने जस्ट उसका वेरिएबल देखना है एक्स वाई वाली टर्म्स का, और उसकी पावर एक्सपोनेंट जिसको आप बोलते हो उसको देखना है। अगर तो वो सेम है तो आपके पास वो लाइक टर्म्स है, अगर वो सेम नहीं है तो आपके पास फिर वो अनलाइक टर्म्स है। आगे लास्ट पार्ट है इसका, अब देखें ये तो आ गया ना फ्रैक्शन की फॉर्म में, और ये आपके पास इसका कोफिशियंट होता है यानी गिनती वाले नंबर है, तो इनको आपने नहीं देखना, आपने वेरिएबल को देखना है। ये एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर वाला कहाँ पे है, ये रहा, और तो कहीं पे भी नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, लाइक टर्म्स, 3/2 x² और 9/2 x², ये आपके पास आ गई जी लाइक टर्म्स। और अनलाइक है ये 8 है और ये 4x है, इसके साथ x है, इसके साथ तो है ही नहीं, तो ये आपके पास फिर अनलाइक टर्म्स है, यानी 8 और 4x अनलाइक टर्म्स। नहीं जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया, इसको जरा आप सही करके लिखना है। लेंथ, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये था जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आप नोट करें तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग, आपने सेपरेट करना है जी, अलग करना है कि इक्वेशन कौन सी है इनमें और इनइक्वालिटीज कौन सी है। ये आप इसको तभी सॉल्व कर सकेंगे जब आपको पता होगा कि इक्वेशंस क्या होती है और इनइक्वालिटीज क्या होती है। तो पहले तो मैं आपको इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज का यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इक्वेशन आपके पास वो होगी हमेशा जिसमें आपके पास इक्वल का साइन आएगा, जैसे कि 2x + 3 = 5, ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें आपके पास इक्वल का साइन आ रहा होगा आपको नज़र, तो ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। या ये इस तरह भी हो सकती है 2y = 1, तो इसमें भी इक्वल का साइन आ रहा है, तो ये आपके पास इक्वेशन है। इक्वेशन के लिए आपने बस एक पॉइंट याद रखें, जिसमें आपके पास इक्वल का साइन होगा उसको आप इक्वेशन बोल दोगे, ओके। और इनइक्वालिटीज आपके पास वो होती हैं जिसमें आपके पास ये सिंबल आएगी, ग्रेटर दैन, लेस दैन, और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, जिसमें आपके पास ये इक्वेशन ये सिंबल्स आएंगी वो आपके पास क्या होगी, इनइक्वालिटी, ओके। इसको बोलेंगे इक्वेशन, और ये जिसमें सिंबल यूज होगी वो इनइक्वालिटी। तो इसमें आपने यही बताना है कि इनइक्वालिटी कौन सी है और इक्वेशन कौन सी है। तो जस्ट आपने देखना है जिसमें इक्वल का साइन होगा वो इक्वेशन है, और जिसमें इस तरह इनमें से कोई साइन होगा इन चारों में से वो आपके पास इनइक्वालिटी है। तो इसमें आपके पास ये वाला साइन आ रहा है ना, 3x + 8 > 10, तो ये आपके पास क्या है, इनइक्वालिटी। इसी तरह 2x - 10 < 1, ठीक है, तो इसमें आपके पास ये वाला साइन आ रहा है, तो ये आपके पास ये भी फिर क्या है, इनइक्वालिटी। इस तरह इसमें इक्वल का साइन आ रहा है तो ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। 3x - 4 = 7, इक्वल का साइन आ गया तो वो आपके पास इक्वेशन होती है। और 7x - 5 > 6x, तो ये भी आपके पास इनइक्वालिटी है, क्योंकि इसमें इक्वेशन का तो साइन ही नहीं आया, इक्वल का साइन नहीं आया। 5x = 7, अब इसमें इक्वल का साइन आ गया तो ये आपके पास इक्वेशन है। इस तरह इसमें 8x < 5, तो ये भी इसमें इक्वल का साइन नहीं आया, तो ये भी आपके पास फिर क्या है, इनइक्वालिटी। लें जी, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 अपने इख्तिताम को पहुंची। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2.2 के तमाम क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।